क्वांट सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड में वक्त बे वक्त हम टहलने निकल जाते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटीज की ओर। आज फिर से मूड हुआ है आपके साथ बात करने का क्वार्टर सीरीज के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, तो आप बने रहिए जीरो पीरियड में। जीरो पीरियड में आज हम कुछ सवाल लेकर आए हैं आपके लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड है। इसके पहले अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था। आपके कमेंट्स के अभाव में मैं इसमें कोई ज़्यादा उत्साह नहीं दिखा पा रहा हूँ। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो रेगुलर बेसिस पे मैथमेटिक्स का या न्यूमेरिकल एबिलिटी का कोई ना कोई एक टॉपिक कंटिन्यू करने का प्रयास करूँगा। आज इसी सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा सेगमेंट हम देखने जा रहे हैं। कुछ अच्छे सवाल हैं और मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मैं सवालों का जो स्तर है वो वहीं आसपास रखना चाहूँगा जो एक बहुत बेसिक लेवल पे आपको ज़रूरत होती है। बहुत बेसिक लेवल के सवाल होंगे, बहुत कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई या ज़्यादा एडवांस पे हम नहीं जा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम छत्तीसगढ़ व्यापम और छत्तीसगढ़ पीएससी के लेवल के ही क्वेश्चंस पे अपने आप को फोकस करें। और मेरा वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ज़्यादा होगा जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, जिनको परसेंटेज एवरेज जैसी चीज़ों को समझने में कठिनाई होती है। तो बने रहिए जीरो पीरियड पर, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला जो सवाल है वो ये कहता है, दो टेबल में से प्रत्येक को 4575 रुपये में बेचा गया है, एक पर 75% का लाभ है, दूसरे पर एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 15% की हानि पर बेचा गया है, पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा ये आपको बताना है। पूरे लेन देन की अगर बात करें तो इसमें हानि ही होगी, ये बात तो आप तय मानिए। जब आप किसी एक परसेंट पर, निर्धारित परसेंट पर ही आप बात करते हैं, तब आपको ऐसे प्रकरणों में केवल हानि होता है, लॉस होता है, ये बात ध्यान रखें आप। तो अब आते हैं बात की किसका परसेंटेज हम कैसे निकालें। तो पूरे क्वेश्चन में ये जो फिगर है 4575, इसका कोई रोल नहीं रहेगा। इसकी जगह आपको कोई भी नंबर दे, अगर एक ही परसेंटेज लाभ और एक ही परसेंटेज हानि पे बेचा जाता है तो आपको इसका कोई कहीं कोई लेना देना नहीं मिलेगा। पूरे कैलकुलेशन में इसका कोई यूज़ नहीं है, ये फिगर कुछ भी हो सकता है। आप एक सिंपल सा फार्मूला यूज़ करिए, एक्स स्क्वायर अपान 100। एक्स क्या है? एक्स वही है जितना परसेंट आपको लाभ या हानि हो रहा है। अब इस पूरे केस में चूंकि सेम परसेंटेज लाभ और सेम परसेंटेज हानि हो रही है तो आपको पूरे प्रकरण में हानि होगी। और एक्स का परसेंटेज मतलब आप 15 × 15 कर लें, 15 × 15/100, 15 × 15/100, दैट विल बी 225/100। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25। तो 2.25% का लॉस होगा इस पूरे केस में। इस पूरे ट्रांजेक्शन में लॉस परसेंटेज अगर आपसे पूछा जा रहा है तो 2.25 होगा। ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। आप बड़ी आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। दूसरे सवाल में पहुंच गए हैं। दूसरा सवाल पढ़ दूं मैं आपके लिए, एक मशीन को 7600 रुपये में बेचने से उतने रुपए का लाभ होता है जितने रुपए की हानि उसे 5400 रुपये में बेचने से होती है। जहां तक मेरा ख्याल है आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, तो वो ये कहता है कि 7600 रुपये में एक बार बेच रहा है वो और एक बार 5400 रुपये में बेच रहा है। दो अलग अलग कंडीशन बता रहा है, एक है 7600, एक है 5400, दो कंडीशन है इनमें वो बेच रहा है। और दोनों ही कंडीशन में, 7600 के कंडीशन में उसको कुछ लाभ हो जा रहा है, मान लो ये लाभ एक्स है मान लिया थोड़ी देर के लिए, और इसको जब वो बेच रहा है तो उसको हानि हो जा रही है, वो भी उतना ही है। तो दोनों ही चीज़ें जब उतनी ही हैं तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूँ इस सवाल में, तो कॉस्ट प्राइस को समझना बहुत आसान होगा। अगर मैं 7600 में एक निश्चित अमाउंट को प्लस कर दूं, 7600 में जो एक अमाउंट जुड़ा हुआ है और 5600 में से वो 5400 में से वो अमाउंट को जोड़ना है, तो कुल मिला के चीज़ एक ही है। तो आप ऐसे सवालों में सीधे सीधे इन दोनों को जोड़ दें और जोड़ करके आप क्या करें, इसको अपॉन टू कर दें, तो आपको उस मशीन का क्रय मूल्य मिल जाएगा। चलिए इसी बात को मैं आपको मैथमेटिकली समझा दूँ। ये 7600 क्या है? एसपी है। और एसपी का मतलब क्या हुआ?
सीपी प्लस प्रॉफिट हुआ इस केस में, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, सीपी प्लस प्रॉफिट हो गया। तो 7600 में कुछ अमाउंट इसका सीपी का रहा होगा, उसमें एक अमाउंट को प्रॉफिट का जोड़ दिया है। दूसरा जो केस है, दूसरे केस की अगर मैं बात करूँ, तो दूसरे केस में आपको बेच रहा है वो 5400 रुपये में। 5400 रुपये में जब वो बेच रहा है, वो भी सेलिंग प्राइस है, तो इसमें कॉस्ट प्राइस में कुछ उसको लॉस हो रहा है। वो लॉस भी सेम है, मतलब उसकी हानि और लाभ दोनों एक ही है। तो अब इस फार्मूले को ही सिंपली अगर मैं यूज़ करूँ और इसको जोड़ दूँ, तो ये तो कट गए दोनों, एक प्लस एक माइनस एक, कॉस्ट प्राइस का डबल हो गया और ये आपका दोनों का अमाउंट का सम हो गया, 6 4 10 7 5 12 1 13। तो कॉस्ट प्राइस का जो डबल है वो हो जा रहा है 13000 रुपये। तो उस हिसाब से कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, इसका आधा 6500। तो यही बात मैंने आपको वर्बली बताई कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है आपको, तो आप सीधा सीधा दोनों को प्लस कर दें और अपॉन टू कर दें। ये मैंने शॉर्टकट बताया। अगर आप बेसिक्स पे समझना चाह रहे हो तो मैंने बेसिक्स पे भी बता दिया आपको कि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है, इसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस है। ये दोनों चीज़ें सेम है, दोनों को हटा दो वहाँ से, कॉस्ट प्राइस का डबल हो गया ये, फिर डिवाइडेड बाय टू कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो उस हिसाब से अगर देखें हम, तो 6500 ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, आप इस पर टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं हम क्या पूछ रहा है वो। ये कहता है यदि 200 केले को बेचने से 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही हो तो बताइए इस लेन देन में कितने प्रतिशत की हानि होगी। 200 केले का एसपी, एसपी आप 200 बनाना, और 50 केले का एसपी 50 बनाना, 50 × SP। अब अगर मैं बात करूं कि इस पूरे लेन देन की, तो बात ये कह रहा है कि 200 केले को बेच रहा है वो, तो 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस जो होता है वो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस के इक्वल हुआ, क्योंकि अगर आप लॉस को उसमें ऐड करेंगे तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो 200 बनाने की बात अगर मैं करूं, तो 200 बनाने का कॉस्ट प्राइस 200 × CP और इसका SP हुआ 200 × SP और इसके साथ में लॉस हो रहा है 50 × SP का। तो मतलब 200 CP जो है वो इक्वल है 250 SP के। आपको निकालना है लॉस या लॉस का परसेंटेज। तो मैंने कहा कि लॉस या प्रॉफिट जब भी निकलेगा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा 200/250 = SP/CP। CP को मैंने इधर ले आया, कैंसिल किया, जीरो काट सकता हूँ, 5 × 5 = 4/5। 4/5 कहने का मतलब अगर SP 4 है और CP 5 है तो मतलब आपको एक यूनिट का लॉस हो रहा है। तो एक यूनिट का लॉस हो रहा है कितने CP पे, 5 CP पे। तो इनटू आप कर दें 100। मेरा ख्याल है मैं बहुत क्लियर हूँ इस बात में। अगर SP 4 है CP 5 है, इसका मतलब उसको एक यूनिट का लॉस हो रहा है, एक यूनिट का लॉस हो रहा है 5 यूनिट के सेलिंग पे। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा 20। तो 20% का इसको लॉस होगा इस पूरे केस में, पूरे प्रकरण में उसको 20% का नुकसान उठाना पड़ेगा। अगला सवाल है, ये पूछता है एक दुकानदार 10% लाभ लेकर सामान बेचता है और जिस तराजू का वो उपयोग करता है उसमें बांट जो है वो 20% कम है, तो कुल मिलाकर के लाभ का परसेंटेज क्या है। चार ऑप्शन दे दिया, 20%, 15%, 37.5%, 25.5%। ये कुछ इस तरह का सवाल है। सवाल को समझ लेते हैं। एक दुकानदार है 10% लाभ लेकर बेचता है, मान लो उसके पास जो वस्तु है उसकी CP 100 है, तो 100 की चीज को वो बेच रहा है 110 में, फिर जिस तराजू का उपयोग करता है उसमें बांट 20% कम है। अब बांट 20% कम है, इसका मतलब जो 100 की चीज न बेच के वो 80 की चीज को बेच रहा है, और बेच तो 110 में रहा है, तो 80 की चीज को जब वो 110 में बेच रहा है, कहने का मतलब उसके बीच का मार्जिन कितने का हो गया, 20 का, और 20 के साथ 20 रुपये यहाँ हुआ, 10 रुपये यहाँ, तो 30 का मार्जिन ले रहा है वो। तो जब वो 80 की चीज़ को 110 में बेच रहा है, मतलब उसके पास प्रॉफिट जो है वो 30 रुपये का है। अब इसको मुझे परसेंटेज में निकालना है, तो 30 रुपये के प्रॉफिट को मुझे परसेंटेज में निकालना हो, तो मैं करूँगा 30/80। अब ये 80 कहाँ से आया,
80 इसलिए आया क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वहां पर वो पूरा का पूरा लेन देन कर रहा है 80 पे, 100 पे नहीं हो रही बात, क्योंकि बाट तो उसने 80 का ही रखा, जो प्रॉफिट निकाल रहा है वो 80 पे निकाल रहा है, तो 80 का जो कास्ट प्राइस होगा उसी के बेसिस पे इसका प्रॉफिट भी निकलेगा। तो 30/80 × 100 होगा, सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 300 × 8, 8 × 24 बच गया इस पे से 6, 8 × 56 बच्चा इस पे से 4.5, तो 37.5 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आपको ज़्यादा आगे पीछे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, इस सवाल का आंसर यही कन्फर्म है। आज की इस वीडियो का आखिरी सवाल है ये, एक ग्वाला कुछ दूध खरीदता है, कितना दूध खरीदता है नहीं पता, जब वह उसे 5 रुपये प्रति लीटर पर बेचता है तो 200 रुपये की हानि होती है, और 6 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचता है तो 150 रुपये का लाभ होता है। आपको ये बताना है कि उसने कितना दूध खरीदा था। तो जब वो 5 यूनिट में मान लो, अगर 5 यूनिट के सेल में उसको प्लस हो रहा है 200 का, और 4 यूनिट 6 रुपये के हिसाब से अगर वो बेचे तो 6 यूनिट में उसको माइनस हो रहा है 150 का। कुल मिला के अगर मैं बात करूँ, दोनों को माइनस कर दूँ, ये 6 यूनिट है 5 यूनिट, उसको उल्टा लिख लें, 6 यूनिट जो है वो 150 दे रहा है आपको, और 5 यूनिट जो है वो आपको दे रहा है प्लस में 200। तो ये दोनों को अगर मैं माइनस करूँ तो ये हो जाएगा इतना, तो दोनों माइनस है, यू हो जाएगा आपका 350। तो 350 लीटर उसने इस पूरे लेन देन के लिए रखा था। आप चाहें तो इसको एक्स वाली मेथड से भी जा करके समझ सकते हैं, चलिए एक्स वाला मेथड भी समझ लेते हैं, इस ट्रेडिशनल मेथड के साथ समझे तो शायद आपको ज़्यादा और अच्छे से क्लियर हो, मैं उस मेथड को भी आपको क्लियर करा देता हूँ। उसमें हमको क्या करना होगा, हमको ये अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि उसने कुछ जो दूध खरीदा है, जितना भी दूध खरीदा है उसकी क्वांटिटी एक्स है, और इस पूरे केस में पूरे प्रकरण में आप देख लीजिए उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो फिक्स है, कॉस्ट प्राइस में कहीं कोई छेड़खानी नहीं हुई पूरे प्रकरण में, एक बार उसने जितने में भी खरीदा है वही उसका कॉस्ट प्राइस हो गया और वही पूरा फिक्स है। तो कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा वही आप देख लीजिए, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दो अलग अलग केस है, पहले केस में सेलिंग प्राइस के साथ उसको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को अगर माइनस कर दूँ तो कॉस्ट प्राइस मिलेगा, दूसरा जो केस है उसमें आपको सेलिंग प्राइस के साथ लॉस को ऐड करना पड़ेगा तब आपको कॉस्ट प्राइस मिलेगा, मतलब ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो आपके केस में एस पी माइनस पी इज इक्वल टू एस पी प्लस एल हुआ अगर, तो एस पी आप उसको 5 रुपये के लीटर से बेच रहे हैं तो 5 यूनिट है तो 5x हो गई उसका सेलिंग प्राइस उसमें, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा था आपको 200 क्या है 5 रुपये के हिसाब से बेचता है तो उसको 200 रुपये की हानि होती है, वो हानि वाला मामला यहाँ आएगा और लाभ वाला मामला यहाँ आएगा, तो ये 6x हो जाएगा, 6x माइनस 150 बराबर 5x धन 200। तो बस अब बात इसके साथ कुछ नहीं रह जाती, आप 6x के साथ 5x को इधर ट्रांसपोज कर लें, 200 के साथ 150 को इधर ट्रांसपोज कर दें तो ये 1x हो जाएगा और ये 350 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में मिल जाएगी जो कि बेसिक मैथ्स है। तो आपने इस क्वेश्चन को दो तरीके से देख लिया, एक तरीका ये कि मैंने सीधा सीधा कहा कि आप इनको जोड़ दीजिए वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारा मामला तो प्रॉफिट और लॉस का ही है, इस पर ना तो कुछ है नहीं। तो दोस्तों ये कुछ सवाल थे जिसको मैंने अपने ढंग से अलग अलग तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया, हो सकता है मेरा तरीका आपको आसान भी लगा हो कठिन भी लगा हो, पर मैथ्स कुल मिलाकर के ऐसी चीज़ है जिसमें प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, प्रैक्टिस आप अपने ढंग से करें, कैसे कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, मगर प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है मैथ्स के लिए। तो ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए इंतज़ार करिए, अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं, धन्यवाद।